गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। क्लास 12 में आज आपका टॉपिक है आरएनए के प्रकार। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और भी कुछ बहुत सी चीज़ें इसमें जानेंगे जो हमारे आगे के जो टॉपिक आएंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आरएनए के प्रकार। तो देखिए, आरएनए जो होते हैं मुख्यतः कार्य के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। जैसा इनका कार्य है तो उस कार्य के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। मेनली तो तीन ही प्रकार के होते हैं। ठीक, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, इनको पहले देख लेते हैं। तो कौन कौन सा? पहला है संदेश वाहक या सूचना वाहक आरएनए, इंग्लिश में से कहेंगे मैसेंजर आरएनए शॉर्ट में। इसका शॉर्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट नेम ध्यान रखिए, हमेशा तुमको शॉर्ट नेम ही लिखा मिलेगा, कहीं पर इसका पूरा नाम लिखा नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, आरएनए मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? संदेश वाहक या सूचना वाहक आरएनए, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैसेंजर आरएनए, और जो इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे? स्मॉल एम आरएनए। ये स्मॉल एम है, सब में कैसा बनेगा? स्मॉल अक्षर बनेगा, तो स्मॉल एम आरएनए। ठीक, दूसरा आता है राइबोसोमल आरएनए, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? राइबोसोमल, और शॉर्ट में से क्या कहेंगे? आर, स्मॉल आर आरएनए। तीसरा आता है स्थानांतरण आरएनए, इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? ट्रांसफर आरएनए, और शॉर्ट में से क्या कहते हैं? टी आरएनए कहते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं संदेश वाहक या सूचना वाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए। देखते हैं, जैसा कि इसका नाम है, जैसा कि इसका नाम है संदेश वाहक आरएनए, अर्थात ये संदेशों को ले जाता है। अब बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि संदेशों को ले जाता है, लेकिन कहां से कहां तक ले जाता है, बस हमको केवल इसमें यही ध्यान रखना है। ये तो हमें इसके पता चल जाता है कि संदेश वाहक है, लेकिन ये संदेशों को ले जाता है तो कहां से कहां तक ले जाता है, बस हमको यही चीज इसमें ध्यान रखनी है। तो यह डीएनए के आनुवंशिक संदेशों को, किसके संदेशों को? डीएनए के संदेशों को, किसके संदेशों को? डीएनए के आनुवंशिक संदेशों को राइबोसोम्स पर पहुंचाता है, राइबोसोम्स पर पहुंचाता है। मतलब जो ये संदेश हैं, तो इन संदेशों को कहां से? डीएनए से, और डीएनए से कहां? राइबोसोम्स पर पहुंचाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही लाइन आपको ध्यान रखनी है कि डीएनए के जो आनुवंशिक संदेश है उसको राइबोसोम पहुंचाएगा कौन? एमआरएनए। यह कोशा के कुल आरएनए का 3 से 5% होता है। मतलब अगर टोटल आरएनए 100% है तो 100% में जितना 3 से 5% आरएनए होगा वो यही होगा। ठीक, जैकब व मोनोद ने 1961 में इसे एमआरएनए नाम दिया था। मतलब जैकब और मोनोद ने एमआरएनए इसको नाम दिया था, और कब? 1961 में दिया था। तो ये हमारा हो गया एमआरएनए। दूसरा आता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक, स्मॉल आरएनए, आर स्मॉल आर आरएनए। देखते हैं यह राइबोसोम्स, देखिए जैसा कि इसका नाम है, मोस्टली चीजें बायोलॉजी में क्या होती हैं? उसके नाम के आधार पर होती हैं, उसकी नाम जो उसका हेडिंग होती है वही खुद व्याख्या कर देती है उसका। ऐसे राइबोसोमल आरएनए, तो सीधा सीधा ये राइबोसोमल है तो मतलब ये राइबोसोम में पाया जाएगा। तो यह राइबोसोमल आरएनए मतलब यह राइबोसोम, किसमें? राइबोसोम्स में पाया जाता है। यह प्रोटीन बनने में अमीनो अम्लों को पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम आपको प्रोटीन सिंथेसिस बताएंगे कि प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है, तब उसमें आपको पता चलेगा कि जो राइबोसोम होता है, जैसे ये मैसेंजर आरएनए है, क्या है ये आपका? बता देते हैं आपको थोड़ा सा, ये मैसेंजर आरएनए है आपका, ठीक, एमआरएनए है, और इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। क्या होते हैं? इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, और इस पर क्या होता है? कोडान लगा होता है, जैसे AUG, ये मिथियोनिन का कोडान है। ठीक, तो एमआरएनए पर ये राइबोसोम्स लगा होता है। ठीक, और राइबोसोम्स क्या करता है? अब जो टीआरएनए है, जो आपका टीआरएनए होता है, वो टीआरएनए क्या करता है? जो टीआरएनए होता है वो अपने ऊपर एक एंटीकोडान लाता है। ठीक, जो मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल के लिए होता है, किसके लिए होता है? मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल के लिए होता है। तो वो आकर यहां पर इसको जोड़ने का काम करता है। अब जो इस पर आकर एंटीकोडान जुड़ेगा, जो आकर यहां पर एंटीकोडान जुड़ेगा ऐसे, ठीक, इस पर ऐसे जुड़ेगा, तो यहाँ पर जो एंटीकोडान जुड़ेगा तो ये किसके द्वारा जुड़ेगा? तो ये पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा जुड़ेगा? तो पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ेगा, और जोड़ेगा कौन? जोड़ेगा कौन? आर आरएनए जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? आर आरएनए जोड़ेगा, क्योंकि ये राइबोसोम लगा हुआ है, तो राइबोसोम में कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। तो जो
कोडान है, उस कोडान का जो एंटी कोडान आएगा, उन कोडान और एंटी कोडान को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? तो हमारा राइबोसोमल आरएनए करेगा। और किस बंध द्वारा जोड़ेगा? पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ेगा, ठीक। और यह कुल आरएनए का लगभग 80% होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए आपको कि कोशिका में सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा पाया जाता है, तो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। और कितना होता है? यह टोटल आरएनए का 80% होता है, ठीक, लगभग में है ये। आपको हो सकता है आप कोई दूसरी किताब पढ़े तो उसमें हो सकता है आपको 85 दे दे, 81 दे दे, 82 दे दे, तो आपको हम बता रहे हैं ये लगभग में है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक। अगला आता है स्थानांतरण आरएनए, इसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसफर आरएनए, शॉर्ट में से क्या कहेंगे? टीआरएनए। तो देखते हैं यह कोशिका, देखिए यह स्थानांतरण करेगा, किसका करेगा? मतलब किसी चीज का तो स्थानांतरण करेगा। स्थानांतरण कहता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। अब किसको ले जाएगा, देखते हैं आगे। तो यह कोशाद्रव्य में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा टीआरएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशाद्रव्य में पाया जाता है। अब देखिए कोशाद्रव्य, अब सीधी सी बात है, ये कोशाद्रव्य में रहता है, तो कोई चीज अगर ले जाएगा तो कोशाद्रव्य से ले जाएगा, और कहाँ ले जाएगा देखते हैं आगे। तो यह कोशाद्रव्य में पाया जाता है। तो यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स, देखिए मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स, ये मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए पर क्या लगा हुआ है? राइबोसोम्स लगा हुआ है। तो ये राइबोसोम्स पर ले जाता है, राइबोसोम्स पर कहें या मैसेंजर आरएनए पर कहें, क्योंकि वो दोनों एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले टीआरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशाद्रव्य में पाया जाता है। ये क्या करता है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के किसको? अमीनो अम्लों को। किसको? अमीनो एसिड्स को। किसको? अमीनो अम्लों को। कहाँ ले जाता है? तो अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? राइबोसोम्स पर या एमआरएनए पर ले जाता है। अब टीआरएनए में एक अंगीकार भुजा अर्थात कोडान भुजा होते, देखिए ये भुजा कौन सी है? कोडान भुजा है। ये कौन सी भुजा है? जो टीआरएनए होता है, तो टीआरएनए की एक भुजा है, टीआरएनए की एक भुजा होती है कौन सी? ये है कोडान भुजा। और यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर एंटी कोडान लगा होगा, तो यहाँ पर ये कौन सी भुजा हो जाएगी? एंटी कोडान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंटी कोडान। तो यही है, टीआरएनए में एक कोडान भुजा होती है और जिससे अमीनो अम्ल जुड़ा रहता है। देखिए कोडान क्या होता है, जिससे क्या जुड़ा रहता है? अमीनो अम्ल जुड़ा रहता है। और इसके विपरीत एंटी कोडान भुजा, देखिए ये कौन सी भुजा होती है? एंटी कोडान। इस पर क्या लगा है? अमीनो अम्ल लगा हुआ है। और इसके विपरीत कौन सी? एंटीकोडान भुजा होती है, जिस पर एमआरएनए के उल्टा कोडान स्थित होते हैं। एमआरएनए मतलब जो एमआरएनए का जो कोडान है, उसका उल्टा कोडान कहाँ स्थित होगा? एंटीकोडान पर स्थित होगा, इसीलिए बोलते हैं उल्टा कोडान। उल्टा को क्या बोलते हैं? एंटीकोडान, ठीक। तो एंटीकोडान पर जो आएगा वो किसका विपरीत होगा? एमआरएनए पर उपस्थित जो कोडान होगा उसका उल्टा होगा। वही कहा गया कि टीआरएनए में एक अंगीकार भुजा अर्थात कोडान भुजा होती है, जिस पर अमीनो अम्ल जुड़ा होता है। जिस पर अमीनो अम्ल जुड़ा होता है, देखिए इस भुजा पर क्या जुड़ा हुआ है? अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ है। ये कौन सी भुजा है? जो एक कोडान भुजा है। और इसके विपरीत, इसके विपरीत एंटी कोडान भुजा होती है, जिस पर एमआरएनए के उल्टा कोडान स्थित होते हैं। एमआरएनए मतलब ये एमआरएनए, और एमआरएनए के उल्टा कोडान किस पर? एंटी कोडान पर स्थित होगा। ये हमें समझ लिया। अब आगे देखते हैं, यह कोशा के कुल आरएनए का 10-20% होता है। कुल आरएनए का कितना होता है? 10-20% होता है। कितना? 10-20% होता है, 10-20%। अब आगे देखते हैं, टीआरएनए को घुलनशील आरएनए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीआरएनए को और क्या कहते हैं? घुलनशील आरएनए, और घुलनशील आरएनए, ठीक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सोल्युबल आरएनए। क्या कहेंगे? सोल्युबल आरएनए, या फिर इसको बोलते हैं इस शॉर्ट में क्या बोल देंगे? स्मॉल एस आरएनए। आपसे पूछा जा सकता है कि टीआरएनए को और क्या कहते हैं? तो इसको सोल्युबल आरएनए या घुलनशील आरएनए कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कहे से करते हैं? तो स्मॉल एस आरएनए से करते हैं, ठीक, भी कहते हैं। और जो टीआरएनए होता है वो कितना? 73 से 94, 73 to 94 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड की लंबाई कितनी होती है? तो 73 से 94 न्यूक्लियोटाइड से ये लंबा होता है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं, ये हमारा हो गया तीनों प्रकार के आरएनए हो गए। आपको एक बात और बताते, ये टीआरएनए इतना नहीं है, बल्कि टीआरएनए एक बहुत बड़ी प्रोसेस है और इसकी पूरी एक विशेष संरचना होती है। अगर आप चाहेंगे तो हम टीआरएनए को बहुत ही स्पेशल तरीके से अलग टॉपिक में पूरा का पूरा टीआरएनए बता देंगे, ठीक। अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक।
अगला पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। देखिए ये एक प्रकार के एमआरएनए के ही प्रकार हैं, ये एक प्रकार के एमआरएनए के ही प्रकार हैं, लेकिन ये आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये दोनों याद नहीं रहे, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, अगर ये दोनों आपको याद नहीं रहे तो आपको आगे के जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे हम उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप इनको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए अपने, अगर ये दोनों दिमाग से गए तो समझ लिए आगे की सारी प्रोसेस आपको बहुत कम समझ में आएगी। ठीक, तो पहले देखते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का मतलब क्या है? पॉली माने क्या होता है? बहुत। सिस्ट्रॉनिक, अब ये सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन क्या होता है? अगर आपसे पूछा सिस्ट्रॉन क्या है तो देखिए, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन संश्लेषण की जो एक इकाई होती है, प्रोटीन संश्लेषण की जो एक इकाई होती है, सिंगल यूनिट जो होती है, उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, पॉली माने क्या होता है? बहुत। पॉली माने बहुत, सिस्ट्रॉन माने प्रोटीन संश्लेषण करने वाली इकाई है। मतलब ऐसा एमआरएनए जिसमें बहुत से प्रोटीन संश्लेषण की इकाइयां हों, अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हों, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। देखिए हमको सारा का सारा यहीं से याद हो जाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, ऐसा एमआरएनए, पॉली माने क्या? बहुत, और सिस्ट्रॉनिक माने क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करने वाली इकाइयां। मतलब ऐसे एमआरएनए में जिसमें बहुत सी प्रोटीन संश्लेषण करने वाली इकाइयां हों, ऐसे क्या कहेंगे इसको? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहेंगे। देखते हैं क्या यही है। ऐसे एमआरएनएओं में एक से अधिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अर्थात प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं होती हैं। देखिए वही बिल्कुल बात है इसमें। अब आगे आता है दूसरा, आता है मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अब मोनो माने क्या होता है? मोनो माने होता है एक, ऐसा एमआरएनए जिसमें केवल एक प्रोटीन संश्लेषण की इकाई हो उसे क्या कहेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए। जैसा कि हमें परिभाषा से याद हो गया, वही इसमें लिखा हुआ है, ऐसे एमआरएनए में केवल एक ही पेप्टाइड श्रृंखला। अब देखिए यहाँ पर पॉली पेप्टाइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पेप्टाइड श्रृंखला। पॉली माने क्या होता है? बहुत हो जाएगा। और जब ये मोनो है, जब ये खुद मोनो है, मोनो माने क्या होता है? एक। जब ये मोनो है तो ये पॉली कैसे हो सकता है? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पेप्टाइड लिखेंगे। गलती आप यहीं पर करते हैं, ठीक। तो ऐसे एमआरएनए में केवल एक ही पेप्टाइड श्रृंखला होती है अर्थात प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है, तो ऐसे क्या कहेंगे? इसे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है वायरल या जेनेटिक आरएनए। वायरल या जेनेटिक आरएनए, अब देखिए कुछ अन्य प्रकार के डीएनए जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों ने कुछ अन्य प्रकार के डीएनए अणुओं की खोज की। कौन कौन से डीएनए, वो आरएनए अणुओं की खोज की? किसकी की? आरएनए अणुओं की। कुछ अन्य प्रकार के आरएनए, यहाँ पे आरएनए होगा, गलती से लिख गया, ठीक। तो यहाँ पर अन्य प्रकार के आरएनए अणु तो हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो पहला आता है हमारा वायरल या जेनेटिक आरएनए। कौन सा होता है? वायरल या जेनेटिक आरएनए। तो कुछ वायरसों में डीएनए नहीं होता। क्या नहीं होता? डीएनए। भैया देखिए, आपका जो एचआईवी वायरस है उसमें नहीं होता, और ऐसे बहुत से वायरस होते हैं जिसमें आपका डीएनए नहीं होता, ठीक। तो कुछ वायरसों में डीएनए नहीं होता, अतः इसमें आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो ऐसे ऐसे आरएनए को क्या कहेंगे? वायरल या जेनेटिक आरएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? वायरल या जेनेटिक आरएनए कहेंगे, ठीक। कुछ वायरसों में डीएनए नहीं होता, अतः इसमें आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, इसलिए तो इसको वायरल या जेनेटिक आरएनए कहते हैं, ठीक। अगला आता है लघु केंद्र की आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्या कहेंगे? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। हिंदी में क्या कहेंगे? लघु केंद्र की आरएनए। देखिए लघु माने क्या होता है? छोटा। लघु माने छोटा, केंद्र की माने केंद्रक में पाया जाने वाला, आरएनए माने आरएनए, ऐसा आरएनए जो छोटा है और केंद्रक में पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? लघु केंद्र की आरएनए अर्थात स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहेंगे। और इसे रिप्रेजेंट कहे से करते हैं, स्मॉल एस और स्मॉल एन डॉट आरएनए, मतलब स्मॉल एस और स्मॉल एन आरएनए जो होता है इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, यह 200 से 225 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के बने छोटे आरएनए अणु होते हैं। जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि बहुत छोटे आरएनए अणु होते हैं, और कितने होते हैं? 200 से 225 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के बने होते हैं, जो केंद्रक में रहते हैं। हम जैसे बता ही चुके हैं लघु केंद्र की मतलब केंद्रक में पाया जाता है। ये डीएनए अणुओं के द्विगुणन तथा आरएनए अणुओं के संशोधन में सहायता करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें बस यही याद करना है इसमें कि ये इनका काम क्या है, लघु केंद्र की आरएनए का काम क्या है। तो ये क्या करते हैं? तो ये डीएनए का द्विगुणन अर्थात जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन अर्थात डीएनए के द्विगुणन तथा आरएनए अणुओं के संशोधन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। भैया इनसे भी गलतियां होती हैं, प्रोटीन संश्लेषण में गलतियां होती हैं, आरएनए निर्माण में गलतियां होती हैं,
डीएनए के द्विड़न में गलतियां हो जाती हैं, इसी को तो हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। मतलब जो गलतियां हो जाती हैं, गलतियों के द्वारा जो परिवर्तन होता है, उसी तो हम उत्परिवर्तन कह देते हैं। ठीक, तो डीएनए अणुओं के द्विगुणन तथा आरएनए अणुओं के संशोधन में सहायता करते हैं। ठीक, अगला आता है राइबोजाइम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत जगह नाम आएगा इसका, राइबोजाइम्स या उत्प्रेरक आरएनए, राइबोजाइम्स या उत्प्रेरक आरएनए, इंग्लिश बोलते कैटालिटिक आरएनए। देखिए उत्प्रेरक आरएनए, जैसा किसका नाम है, क्या कह रहा है, उत्प्रेरक आरएनए, अर्थात ये आरएनए कैसा काम करेगा, एक उत्प्रेरक का काम करेगा। कैसा काम करेगा? एक उत्प्रेरक का काम करेगा। तो देखते हैं इसका पता थॉमस सेक व सिडनी अल्टमैन ने लगाया। इसका पता किसने लगाया? इसका पता थॉमस सेक व सिडनी अल्टमैन ने लगाया। ठीक, तो इसका पता थॉमस सेक और सिडनी अल्टमैन ने लगाया। और क्या बताया इन्होंने? कुछ आरएनए अणुओं में जैव उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं। काहे के गुण पाए जाते हैं? किसमें? कुछ आरएनए में, सब में नहीं, सब आरएनए में नहीं, केवल कुछ आरएनए में, कुछ आरएनए अणुओं में जैव उत्प्रेरक के गुण होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। अब कौन से ऐसे होते हैं? देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें राइबोसोम्स के 23 यस आरएनए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें राइबोसोम्स के 23 यस 23 एस आरएनए जो होते हैं वो उत्प्रेरक का काम करते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें राइबोसोम्स के 28 एस 28 एस आरएनए जो होते हैं वो उत्प्रेरक का काम करते हैं। प्रोकैरियोटिक में कितने? 23 एस आरएनए जो होते हैं वो उत्प्रेरक का काम करते हैं। और जो आपका यूकैरियोटिक होता है उसमें यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स के 28 एस आरएनए होते हैं वो उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो ये उत्प्रेरक का काम हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है आरएनए के प्रकार। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस टॉपिक को पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करिए, और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।